यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेगुलेटर पढ़ना है कि कितना तरह का होता है। तो बेसिकली ऐसे जो रहता है तो वो दो टाइप का रहता है, वोल्टेज रेगुलेटर एक लीनियर बोलते हैं और एक स्विचिंग मोड रेगुलेटर बोलते हैं। अब लीनियर रेगुलेटर फिर दो तरह का हो जाता है, एक सीरीज रेगुलेटर हो जाता है, एक शंट। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं ये सीरीज रेगुलेटर। ये सीरीज रेगुलेटर क्या होता है, तो देखो पहले इसमें क्या-क्या एलिमेंट रहता है जो रेगुलेटर रहता है उसमें। तो उसमें रहेगा एक कंट्रोल एलिमेंट रहेगा, रेफरेंस वोल्टेज रहेगा, और यहां पर एक रहता है कॉम्परेटर रहता है। एक कॉम्परेटर रहता है जिसको एरर डिटेक्टर भी बोलते हैं या कॉम्परेटर बोलते हैं। एक सैंपल सर्किट रहता है, तो सैंपल सर्किट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो अप्लाई करते हैं इनपुट वोल्टेज उसको बोलते हैं अनरेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज। हेलो स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं आया, आ रहा। चलो कुमार प्रेजेंट कर देता है, इसी कारण हो जाता है। अच्छा अभी कोई प्रेजेंट कर दिया था क्या? कर दिया टेंडर का अरे सर। रुको रुको, नहीं करना जी बीच में। आ गया सर। अरे इसको अरे हाँ देखो, तो यहाँ पर मेन इसमें चार ही एलिमेंट रहेगा। तो जो इनपुट वोल्टेज रहता है अनरेगुलेटेड उसको बोलते हैं अनरेगुलेटेड वोल्टेज बोलते हैं, जो इनपुट रहेगा। और कंट्रोल एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा, जो आउटपुट जाएगा वो रेगुलेटेड वोल्टेज रहेगा जो हमको चाहिए। जैसे हमको 5 वोल्टेज चाहिए तो जो 5 वोल्टेज हमको मिलेगा बाद में जो हमको चाहिए, यानी जो आउटपुट वोल्टेज वो हो जाएगा कंट्रोल एलिमेंट का आउटपुट हो जाएगा। अब ये क्या होता है, तीनों रेफरेंस वोल्टेज एरर डिटेक्टर या इसको कॉम्परेटर भी बोलते हैं, एरर डिटेक्टर को। एक सैंपल सर्किट रहता है, तो सैंपल सर्किट का काम है कि जो आउटपुट जो वोल्टेज है। तो अब हमको मान लो कि 5 वोल्टेज चाहिए, अब उससे ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम रेफरेंस वोल्टेज से जो हमको चाहिए प्री डिटरमाइन वैल्यू। जैसे भी हमको 5 वोल्टेज चाहिए तो ये 5 वोल्ट का ये यहाँ पर रहेगा जेनर डायोड रहेगा, 5 वोल्ट का ये बताएगा। जैसे में जो कंपनी बनाएगा जब तो उसी वक्त बता देगा कि 5 वोल्टेज अगर हमको आउटपुट में चाहिए तो वो जेनर डायोड 5 वोल्टेज का लगा देगा। अब क्या होगा, जो आउटपुट है वो हमेशा कंपेयर होगा रेफरेंस वोल्टेज के साथ के घर। और रेफरेंस वोल्टेज यानी 5 वोल्ट जो हमको चाहिए रिक्वायरमेंट है पहले से, अब ये कंपेयर करेगा। और अगर अगर वोल्टेज ज्यादा हो रहा है तो ये कंट्रोल एलिमेंट इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वोल्टेज को कम करेगा और फिर वो क्या करेगा कॉन्स्टेंट पर लान देगा। अगर रेफरेंस वोल्टेज से अगर वोल्टेज क्या हो रहा है कम हो रहा है तो ये कंट्रोल एलिमेंट क्या है उसको क्या करेगा ज्यादा करेगा, ज्यादा करके फिर वहां पर लाएगा। अब क्या है, तो सीरीज रेगुलेटर को दो तरीका से बना सकते हैं, दो गो। एक है कि बीजेटी का यूज करके, और उसमें देखो ये वाला पहला वाला हो गया, पहला ये हो गया। ये इसमें क्या है कि जो रेफरेंस ये सैम्पलिंग सर्किट इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें तीन चीज है, पहला क्या है कंट्रोल एलिमेंट हो गया ये ट्रांजिस्टर, और एक क्या हो गया रेफरेंस वोल्टेज। यहाँ पर देखो था ना, कंट्रोल एलिमेंट था, रेफरेंस वोल्टेज था, एक था एरर डिटेक्टर जिसको कॉम्परेटर बोलते हैं, और सैम्पल सर्किट हो गया। तो अब यहां पर क्या है, पहला जो सर्किट था
ये जिसमें बीजेटी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कॉम्परेटर का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्परेटर जो है वो ओपेम्प जो है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसमें दो टर्मिनल होता है, एक इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, तो वो कॉम्परेटर के तरह भी काम करता है, जिसको एरर डिटेक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर है नहीं, सर्किट में है नहीं, इसलिए इस सर्किट में क्या है, ओपेम्प नहीं है। तो ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर, इसमें क्या होता है, कॉम्परेटर सर्किट नहीं होता है, या उसको बोल सकते हैं एरर डिटेक्टर सर्किट इसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, भी इनपुट जो अनरेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज मिला, और ये रेफरेंस वोल्टेज जेनर वोल्टेज जो हमको चाहिए कि 5 वोल्ट चाहिए, तो उस वोल्टेज का जेनर वोल्टेज हम ले लेंगे। और अब क्या करेगा, कंट्रोल एलिमेंट ये आउटपुट को एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू, अगर घट रहा है बढ़ रहा है वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग। अब क्या है कि इसको सीरीज क्यों बोलते हैं, तो सीरीज रेगुलेटर इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो कंट्रोल एलिमेंट है ये ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या है, कंट्रोल एलिमेंट का काम कर रहा है, यही घटेगा बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज रहेगा, डिक्रीज या इंक्रीज करेगा। तो ये क्या होता है, ये इसके साथ जो है लोड के साथ आरएल है, आरएल क्या है लोड, और इसी के अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं वी आउटपुट, ये ऊपर में प्लस हो जाएगा नीचे में माइनस हो जाएगा। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है वी आउटपुट, तो ये लोड के अक्रॉस है, और ये लोड यहाँ पर क्या है, कंट्रोल एलिमेंट, जिसको ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं, ट्रांजिस्टर यहाँ पर कंट्रोल एलिमेंट का काम कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीरीज रेगुलेटर। और दूसरा क्या होता है, एक होता है ओपेम सीरीज रेगुलेटर। तो इसमें क्या होता है, ओपेम सीरीज रेगुलेटर, तो इसमें ये ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर के हो गया कंट्रोल एलिमेंट, और एक ओपेम यूज करते हैं जो कॉम्परेटर की तरह काम करता है या एरर डिटेक्टर की तरह काम करता है, और इसमें एक सैंपल सर्किट भी यूज करते हैं। तो बीजेटी जो था, बीजेटी कंट्रोल कहाँ पर है, आ ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर, तो इसमें दो एलिमेंट नहीं रहता है, एक क्या नहीं रहता है, तो इसमें दो एलिमेंट क्या क्या नहीं रहता है, तो एक ओपेम्प नहीं है यानी कॉम्परेटर नहीं है, और दूसरा क्या नहीं है, सैंपलिंग जो सर्किट होता है वो भी नहीं है, दोनों का दोनों नहीं, इसमें दो ही एलिमेंट है, एक सीरीज कंट्रोल एलिमेंट यानी ट्रांजिस्टर Q1, और दूसरा है जेनर डायोड या जो रेफरेंस वोल्टेज की तरह काम कर रहा है, और दूसरा जो हम बताएं वो बताएं ओपेम सीरीज रेगुलेटर। तो इसमें चारों एलिमेंट जो रहना चाहिए सब का सब रहता है, कंट्रोल एलिमेंट यानी ट्रांजिस्टर Q1, एरर डिटेक्टर या इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्परेटर यानी, तो वो ओपेम्प है, और तीसरा हो गया सैंपल सर्किट, और चौथा हो गया जेनर डायोड, ये रेफरेंस वोल्टेज की तरह काम होता है। तो अब देखेंगे दोनों में कैसे काम हो रहा है, कैसे बोल रहे हैं कि हाँ, हम बोले ना अभी कि वोल्टेज ये क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज को हम हमेशा कंपेयर करते हैं किसको, रेफरेंस वोल्टेज वीजेड से। वीजेड ये प्री डिटरमाइंड वैल्यू है, मींस पहले से कंपनी ये डिसाइडेड है कि 5 वोल्टेज का रेगुलेटर है, तो जेनर वोल्टेज के अक्रॉस 5 वोल्ट रहेगा। अब क्या है कि अब वोल्टेज हम बोले थे कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, फिर भी हमारा आउटपुट वोल्टेज को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, तो रेगुलेटर का काम क्या हुआ, वोल्टेज रेगुलेटर मींस आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब क्या है, तो इसमें है ट्रांजिस्टर लगा हुआ, तो ट्रांजिस्टर को हम जानते हैं कि इसका वैल्यू जो है चेंज करता है टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो बेस टू इमीटर वोल्टेज वो डिक्रीज करता है, फिर कलेक्टर करंट भी हम जानते हैं कि वो भी चेंज करता है। तो अब क्या है कि अगर मान लो हमारा लोड वोल्टेज बढ़ा, तो लोड वोल्टेज बढ़ा रेसिस्टर के अंदर, तो थर्मल एनर्जी थर्मल टेम्परेचर के चलते अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा घटा, तो VB बेस टू इमीटर वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा, तो उसके चलते ये आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो अब अगर कुछ चेंज आ रहा है वोल्टेज में, उसके बाद भी हमारा एम क्या है, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना, तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए एक हम है, हैंड रिटन नोट्स है मेरा, तो उसी में दिखा रहे हैं तुमको कैसे होगा, नहीं होगा उसके लिए। देखो यहाँ है,
देखो यहां भी बताए थे कि देखो आउटपुट क्या है हमारा, तो आउटपुट ऑफ कंट्रोल एलिमेंट इज रेगुलेटेड वोल्टेज, जो हमको वोल्टेज चाहिए वो रहता है, ये बताया हुआ है, पेज भेज देंगे। देखो सीरीज रेगुलेटर अब कैसे काम करेगा, तो क्या है सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर यूजेज ए कंट्रोलिंग एलिमेंट प्लेस इन सीरीज विथ लोड बाई चेंजिंग वीबी बेस टू इमीटर वोल्टेज, आइदर जो हो गया इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस लोड क्या होगा रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये इक्वेशन इसमें आएगा, वोल्टेज का एक इक्वेशन आता है वही इसमें देखना रहता है। तो पहला सर्किट जो है ट्रांजिस्टर का यूज करके बताए थे, इसको क्या बोलेंगे ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर। इसमें क्या होगा इनपुट वोल्टेज रहेगा, अनरेगुलेटेड वोल्टेज रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, ये रेफरेंस वोल्टेज वीजेड हो गया, तीसरा हो गया आरएल हो गया। अब क्या है कि हम यहाँ पर केवीएल लिखेंगे, ये आउटपुट के अक्रॉस, ये आउटपुट हो गया बेस टू इमीटर हो गया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इमीटर करेंट है, तो बेस यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ये हो जाएगा वीबी, तो बेस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इमीटर हो जाएगा निगेटिव। सुन रहा है जी? हेलो। यस यस सर, सर, यस सर, अच्छा चलो हाँ सर, ठीक, चलो देखो अब क्या है कि हम बताए थे कि जेनर डायोड का फंक्शन जो है, कहीं पर भी जेनर डायोड देखेगा तो उसका पोलैरिटी कैसे लिखाएगा। अगर मान लो ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर हम जो सीरीज रेगुलेटर बता रहे हैं, तो यहाँ पर तो पोलैरिटी नहीं दिया हुआ है, तो हमको फिर रिलेशन तुमको लिखना होगा ना, कुछ कोई भी सर्किट है तो उसमें तो इक्वेशन लिखेगा ना कि इसका इक्वेशन का आ रहा है। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन इसमें लिखा हुआ है वी बी बराबर वी जेड माइनस वी नॉट। तो अगर वोल्टेज का इक्वेशन है, तो वोल्टेज का इक्वेशन में हम क्या बोले थे कि केवीएल लगेगा, क्लोज लूप रहना चाहिए, केवीएल लगाएं। केवीएल के लिए क्या बोले थे कि पोलैरिटी हमको मालूम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमको पोलैरिटी मालूम नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो कैसे, तो ये ट्रांजिस्टर वाला यहाँ पर, हाँ देखो हाँ, ट्रांजिस्टर वाला ये है, और इसका रिजल्ट दिया हुआ है डायरेक्ट वी बी बराबर वी जेड माइनस वी नॉट, और उसके बाद बताया हुआ है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो नोट्स में वही से लिख करके हम बता रहे हैं। तो देखो जब भी जेनर डायोड रहेगा, ये जेनर डायोड जब भी रहेगा तो दो टर्मिनल रहता है इसमें, एक पी साइड रहेगा, तो ये जो स्टार्टिंग है इधर एरो का नीचे वाला, ये नीचे वाला जिस जो ग्राउंड से लगा हुआ है, ये पी साइड हो गया और ऊपर वाला एन साइड हो गया। तो हम सिंपल जो डायोड रहता था उसमें पी साइड को पॉजिटिव लेते थे और एन साइड को निगेटिव। तो उसमें क्यों लेते थे, क्योंकि हम जानते थे कि जो डायोड हो जाता है वो फॉरवर्ड बायस होता है तब काम करेगा, सिंपल जो डायोड होता है, रिवर्स बायस रहेगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में ओपन हो जाता है, सर्किटें नहीं रहेगा तो उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो जेनर डायोड होता है इसमें हम बोले थे कि इसका जो एप्लीकेशन है, जो यूज है, वो रिवर्स बायस में है, पहला चीज के रिवर्स रिवर्स बायसिंग होना चाहिए, और दूसरा क्या बोले थे कि रीजन कैसा रहना चाहिए, ब्रेकडाउन रीजन, यानी हम करंट कितना भी बढ़ाएं लेकिन वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो रीजन होगा। तो जेनर डायोड का एप्लीकेशन होता है कि ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होना चाहिए, और रीजन कैसा रहना चाहिए, ब्रेकडाउन रीजन, उस रीजन में वोल्टेज हमेशा इसका कॉन्स्टेंट रहेगा। रिजल्ट अगर 5 वोल्ट लिख दिए तो ये 5 हमेशा रहेगा, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कुछ भी इंक्रीज कर रहा है, इससे मतलब नहीं इसका। तो ये वीजेड, तो इसका पोलैरिटी कैसे लिखते हैं, रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में एन साइड क्या हो जाता है प्लस, तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, और पी साइड क्या हो जाएगा माइनस, यानी जो सिंपल डायोड के अपोजिट हो जाएगा। तो यानी पी साइड हम इसका क्या करते हैं निगेटिव, और एन साइड पॉजिटिव, तो प्लस माइनस वीजेड, ये इसका पोलैरिटी हो गया जेनर डायोड। अब ये ट्रांजिस्टर इमीटर से करंट बाहर निकल रहा है, मींस कैसा ट्रांजिस्टर, एनपीएन है, इसमें बेस ये हो जाएगा, ये इमीटर बेस नीचे हो गया, जेनर से लगा हुआ बेस हो गया, और ऊपर लोड से लगा हुआ क्या हो गया इमीटर हो गया, इमीटर से करंट निकलता है और ये कलेक्टर हो गया। तो पोलैरिटी कैसे लिखेंगे, प्लस ये वाला हो गया, जेनर से लगा हुआ बेस हो गया, यानी बेस बेस क्या है पॉजिटिव, इमीटर क्या होगा निगेटिव, तो वी बी, तो माइनस प्लस वीजेड हो गया प्लस वीबी,
लोड है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वी आउटपुट। तो ग्राउंड, ग्राउंड कहने का मतलब निगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस वी आउटपुट ये हो गया। अब यहाँ पर केवीएल लिख रहे हैं, यहाँ से जेनर के ग्राउंड से चल रहे हैं और लोड के ग्राउंड तक आ रहे हैं। तो अगर केवीएल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आएगा माइनस, तो माइनस वी जेड, फिर क्या आएगा, दूसरा एलिमेंट क्या है, ट्रांजिस्टर, तो प्लस आएगा, प्लस तो बेस टू इमीटर, वी बी। फिर तीसरा एलिमेंट क्या है, लोड, तो लोड में क्या आ रहा है, पहले एंटर कर रहे हैं करेंट का, देखो डायरेक्शन में बताए हुए, प्लस प्लस पर, तो प्लस वी आउटपुट इज इक्वल टू 0। केवीएल क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 किए हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जिधर से भी घूमेगा सेम रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट मेरा क्या आ गया कि वी बी बेस टू इमीटर वोल्टेज वी बी बराबर वी जेड माइनस वी नॉट, यही इसमें भी लिखा हुआ है। हाँ ये वाला देखो, हाँ यहाँ लिखा हुआ वी बी बराबर वी जेड माइनस वी नॉट, ये डायरेक्ट लिख दिया है इसमें, तो ये अपना देख लेना इसको। अब क्या है दूसरा है, तो ये वी बी आ गया, ये रिलेशन हमको आया, ये रिलेशन आया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा क्या हो सकता है, कि हम देखेंगे कि हमारा वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तो वोल्टेज कॉन्स्टेंट है तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि हमारा वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हम माने क्या, लेटेस्ट यानी सपोज डेट के आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर हमारा आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो उस केस में इस इक्वेशन में देखो, हमारा इक्वेशन क्या आया है, वी बी इज इक्वल टू वी जेड माइनस वी नॉट। तो यहाँ पर अगर वी नॉट इंक्रीज करेगा तो वी जेड तो कॉन्स्टेंट है, तो 5 मान लो कि ये 5 वोल्टेज है, ये मान लो कि आउटपुट कितना था हमारा, 4.9 था, 4.9 था आउटपुट पहले आ रहा था, मान लो एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, अगर ये इंक्रीज करवाते हैं इसको 4.95, तो ये डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो भी आउटपुट अगर इंक्रीज करेगा मीन्स भी भी क्या हो गया है, डिक्रीज करेगा। अब बेस करेंट, तो बेस करेंट क्या होता है, बेस के अक्रॉस जो करेंट होता है, तो जब भी हम बेस और इमीटर के बीच में अगर हम जो ओम्स लॉ क्या हुआ, वी इज इक्वल टू आई इन टू बराबर आई इन टू आर, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अगर वोल्टेज बेस और इमीटर के अक्रॉस जब भी क्या होता है, डिक्रीज करेगा, तो उस केस में बेस करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो बेस करंट डिक्रीज करेगा, तो अब क्या है, इमीटर करंट क्या होगा, ये वाला इमीटर करंट क्या हो गया, ये वाला करंट, ये हो गया बेस जेनर डायोड से, और ये जो हो गया करंट, ये जो जा रहा है लोड की तरफ, ये क्या है, कैसा करंट है, इमीटर करंट, और ये ही करंट क्या हो जाएगा, लोड करंट, यानी इमीटर करंट और लोड करंट क्या है, सेम है। तो यहां पर देखो, तो ये इस केस में क्या है, बेस करंट डिक्रीज करेगा, तो इमीटर करंट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें टोटल करंट क्या होता है, इमीटर, इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, यानी इमीटर करंट जो होता है, बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों का सम होता है। तो अगर हम बेस करंट यानी कम करंट जोड़ेंगे तो इमीटर टोटल करंट भी क्या होगा, कम होगा। तो बेस करंट अगर कम होगा तो इमीटर करंट भी होगा। इमीटर करंट देख लो, अभी आउटपुट कैसे लिखेंगे, भी आउटपुट भी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई इनटू भी कितना लोड, इंटर कैरेंट जा रहा इंटर आर। तो अगर इमीटर कैरेंट हम क्या बोले, घटेगा, तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, घटेगा। तो अब हम क्या कर रहे थे कि हम सपोज क्या किए थे, कि हम सपोज किए थे कि आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हम सपोज किए थे कि आउटपुट करंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारा जो कंट्रोल एलिमेंट था ये ट्रांजिस्टर, उसने क्या किया कि जो आउटपुट वोल्टेज जो इंक्रीज कर रहा था उसको क्या कर दिया, डिक्रीज किया। यानी हम अगर ग्राउंड फ्लोर से अगर इंक्रीज करके फर्स्ट फ्लोर पर गए तो ये जो हमारा कंट्रोल एलिमेंट है बेस टू इमीटर वोल्टेज, ये क्या किया, डिक्रीज किया, और डिक्रीज करके फिर आउटपुट वोल्टेज को फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर लान दिया,
मीन्स हमारा जो वोल्टेज पहले जो 5 वोल्ट था, हमको जो 5 वोल्ट रहना चाहिए था वही रहेगा। अगर इंक्रीज किसी कारणवश कर गया तो फिर वो वीबी बेस टू मीटर क्या करेगा, डिक्रीज करके उसको फिर क्या करेगा, वही 5 वोल्टेज पर ला देगा। तो इसी को ऐसे लिखते हैं कि मोर वी आउटपुट, अगर आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा तो लेस रहेगा वीबी, यानी वीबी लेस रहेगा आईबी यानी बेस करंट, लेस रहेगा आई वी आउटपुट डिक्रीज है। इसलिए बोलते हैं सो वोल्टेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यू टू सीरीज रेगुलेटर। अब बताओ जी, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं सर, सर बीबी का वोल्टेज तो फिक्स है। बीबी हाँ हेलो, का तो वोल्टेज फिक्स रहेगा। नहीं देखो वीबी का हेलो वोल्टेज जो है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि सिलिकॉन क्या में 0.7 रहता है, जर्मेनियम में क्या रहता है 0.2। लेकिन क्या होता है ना कि वीबी जो है ये वोल्टेज, तो ये क्या होता है टेम्परेचर के साथ वैरी भी करता है। बताए होंगे जो ये पढ़ाए होंगे, बायसिंग पढ़ाए होंगे ना, तो वीबी का वैल्यू क्या होता है चेंज करता है, तो वो चेंज भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या वीजेड जो जेनर वोल्टेज वो हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर दो चीज ही चेंज करेगा, आउटपुट वोल्टेज और वीबी, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट ही लगा हुआ है, एक रेफरेंस वोल्टेज लगा हुआ है, एक कंट्रोल एलिमेंट लगा हुआ है, एक आउटपुट यानी जो हमको रेगुलेटेड चाहिए। तो दो एलिमेंट है, तो वीजेड जो रेफरेंस वोल्टेज है वो हमेशा फिक्स रहेगा। चलो अब क्या है, देखो ये हो गया वीबी हो गया, तो इसमें सब जो लिखा हुआ है जो हम यहाँ पर नोट्स में ये बताए हैं, इसमें क्या है, ये क्या है, एक वो इक्वेशन याद रखेगा ना केवीएल है इसमें, कुछ नहीं है कि पहला जो रहना चाहिए इसमें के दो, इसमें जो है कि ट्रांजिस्टर का यूज करके भी बना सकते हैं या ओपेम का यूज करके, अगर दिया हुआ मेंशन ना किया हुआ है तो ट्रांजिस्टर वाला ही बना देना, इजी है, ज्यादा इसमें नहीं है। याद क्या रखना है कि कंट्रोल एलिमेंट ट्रांजिस्टर रहेगा, वीजेड ये दोनों क्या रहेगा लोड के साथ, ये जो है कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज में रहेगा, इस तरह से लगा रहेगा वीजेड, और एक रेसिस्टेंस आर देते हैं, भी इनपुट ऐसे दे देते हैं, ये लगा रहेगा। और क्या होता है इसमें सिंपल है कि एक केबीएल लिख देंगे आ गया, और क्या लिख देंगे ये जो लिखे हैं ये वाला, तो इसी को पॉइंट करके तुम लिख सकता है कि अगर हम आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेज देन बेस टू इमीटर वोल्टेज डिक्रीजेज, डिक्रीज इन वीबी डिक्रीजेज बेस करेंट सो इमीटर करेंट डिक्रीजेज फाइनली आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेज सो वोल्टेज इन सो इन वोल्ट सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर जो वोल्टेज होगा रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऐसे करके लिख दिया हो गया इसका। इसमें पूछेगा तो सीधे सर हमको सिंपली पूछेगा। समझ नहीं रहा हाँ है, बोलो क्या बोलो। हमको दिखाते हैं स्क्रीन पे। क्या दिखाते हैं, क्या हुआ तुमको? नोट सर, हाँ नहीं दिख रहा है, अरे दिख रहा है जी नहीं सबको, तो तुमको नहीं दिख रहा है ना, तुम्हारे पता नहीं दिख रहा है। हमको अरे दिख। देखो नेट का प्रॉब्लम रहेगा ना, बोले नहीं थे कि गूगल जो मीट है ना इसमें डेटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो अगर तुम्हारे साइड है ना अगर 5-10 kbps का रहेगा तो नहीं चलेगा, शुरू दिन भी यही बताए थे हम तुमको कि अगर तुम अपना एरिया में देख लो जो नेटवर्क प्रोवाइडर अच्छा है, जिसमें एयरटेल जियो जिसका भी आइडिया जो भी हो जिसका अच्छा है उसी का ले लो कनेक्शन। अब देखो अब दूसरा क्या था इसमें, देखो इसमें फिर सब बताया हुआ है, ये लिख लेना लोड रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, सब जो पॉइंट बताए ना वो लिखा हुआ है। अब दूसरा तो इसका पॉइंट नंबर 4 देखिए तो। किसका, इसका हाँ
हाँ सर, पॉइंट नंबर 4 देखें उसी में लिखा हुआ सर, नीचे 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 सर, पॉइंट नंबर 4 यही ना, इसके सर नीचे के नहीं नीचे सर, इसके नीचे तो ये डिग्री है, जो नहीं सर, द डिग्री डिस्ट ऑफ इन अर्थ वी एंड बीइंग लोडलेस। रिड्यूसेस कंडक्शन। हाँ सर यही, द हाँ डिक्रीज इन बी रिड्यूसेस कंडक्शन थ्रू द पास ट्रांजिस्टर, सो लोड करंट डिक्रीज। ये हाँ सर ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा सर। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर वीबी अगर रिड्यूस करेंगे तो जो ये जो होगा बेस टू मीटर वोल्टेज क्या होता है, ट्रांजिस्टर में जो क्या है कि ट्रांजिस्टर जो है तो उसमें बेस टू मीटर वोल्टेज क्या होता है, जब हम अगर यूज कहीं भी ट्रांजिस्टर को करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बेस से इमीटर को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, और जो बेस और कलेक्टर होता है उसको रिवर्स बायस करेंगे। तो अगर भी फॉरवर्ड बायसिंग जो है कम देंगे तो उसका कंडक्शन क्या होगा, कम होगा। सो इससे करेंट जो पास करेगा वो क्या होगा, कम होगा, वही दिया हुआ है। तो अगर वीबी अगर रिड्यूस करेंगे तो इसमें डायरेक्टली बोला है कि अगर वीबी हम रिड्यूस कर रहे हैं तो लोड करंट है, इसमें अभी लोड करंट क्या है, इमीटर करंट है जो इमीटर से होकर के जा रहा है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है। तो हम उसको रिलेट कैसे किए थे, बेस से पहले किए थे कि वीबी डिक्रीज करेगा तब बेस डिक्रीज करेगा तब आई डिक्रीज, या तुम सिंपली लिख सकता है कि अगर वीबी डिक्रीज किया सो आई डिक्रीज किया, ऐसे लिख सकता है। सर कंट्रोल एलिमेंट कितना मतलब कि वोल्टेज को कंट्रोल करेगा सर? कितना जैसे में देखो इसमें है ना, ज्यादा चेंज नहीं आएगा इसमें, जो चेंज है ना ये डेसिमल में ही भी रहता है। जिसमें 5 वोल्टेज का है ना तो 0.95 मिल रहा है। फ्लक्चुएशन जो ट्रांजिस्टर ये सब के चलते क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होगा, क्योंकि देखेगा ट्रांजिस्टर जब भी ऑपरेट करता है तो उसका करंट वरेंट देखेगा तो क्या रहता है, मिली एम्पियर रहता है, वोल्टेज क्या होता है वोल्टे में रहेगा, तो पॉइंट का ही यथी रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो फिर भी इसको क्या, टेम्परेचर इफेक्ट हाँ करेगा टेम्परेचर इफेक्ट करेगा ना, तब ना हो रहा है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट हो है ना ज्यादातर उसमें टेम्परेचर इफेक्ट करता ही है, तो नहीं पड़ता है कि एफईटी का निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट रहता है, किसी का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, इसलिए ना बताता है। तो वो रिलेशन बताता है कि टेम्परेचर के साथ डिवाइस का कैसा रिलेशन है। देखो दूसरा है ये, दूसरा में क्या किए हैं कि दो सर्किट इसमें और यूज किए हैं, एक क्या है तो एक ओपेम का यूज कर लिए हैं, ओपेम का तो एक ओपेम यहाँ पर क्या है, ये कॉम्पेरेटर की तरह काम कर रहा है या एरर डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है, यानी ये क्या बता रहा है कि जो ये जो देखो यहाँ पर आउटपुट होना चाहिए था, मान लो कि नहीं है तो उसको ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आया, किसके थ्रू आ रहा है, सैंपल सर्किट के थ्रू। ये सैंपल सर्किट है, ये सैंपल सर्किट जो है बेसिकली बना हुआ रहता है रेसिस्टर सर्किट का ही। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर का यूज किए हैं, R1 है R2 है, जब दो रेसिस्टेंस क्या है सीरीज में हो और बीच में कहीं पर वोल्टेज आ जा रहा है, ये वाला वोल्टेज यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये वाला और ग्राउंड के बीच में, तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिवाइडर बोलेंगे। तो ये क्या है, टोटल वोल्टेज क्या हो गया, वी आउटपुट। वी आउटपुट कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये वाला से लेकर के ग्राउंड के बीच में, ये टोटल वोल्टेज क्या हो गया, वी आउटपुट। अब ये वाला जो निगेटिव में जा रहा है, ओपन के निगेटिव में ये जो जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, वी आर टू, रेसिस्टेंस आर टू के अक्रॉस। तो वी आर टू कितना हो जाएगा, आर टू डिवाइडेड बाई R1 प्लस आर टू इंटू वी नॉट। ये देखो कहाँ पर किया है, ये देखो यहाँ पर लिखा है कि भी आउटपुट कितना हो जाएगा, तो ये वाला करके लिखा है, इसी को उलट देगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा। तब इसका देखो इसमें कैसे क्या निकालते हैं, तो ये क्या है सैंपल सर्किट के थ्रू आउटपुट वोल्टेज आया, ये आकर के कहाँ गया, कॉम्परेटर के पास, एरर डिटेक्टर के पास। अब क्या बोले कि ये जेनर वोल्टेज, ये जितना वोल्टेज आउटपुट में चाहिए वो यहाँ में पहले ही से रहता है, कि 5 वोल्टेज चाहिए तो 5 वोल्टेज। कैसे है कि एसी है ना, तो एसी में क्या है कि टेम्परेचर हमको 20 चाहिए, अगर अब क्या है कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर अगर चेंज कर रहा है, अगर मान लो घट रहा है बढ़ रहा है, उसके
तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करेगा। तो ये कंट्रोल एलिमेंट उसमें भी रहता है, वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। एनवायरमेंट जो है, बाहरी टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर हमको 20 चाहिए, अगर हमको 20 डिग्री सी सेट किए हैं, तो ये हमको आउटपुट में क्या चाहिए, 20 डिग्री सी ही चाहिए टेम्परेचर। अब क्या हो रहा है, तो अगर आउट टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मान लो 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, तो जो कंट्रोल एलिमेंट रहेगा जो एसी का, वो क्या करेगा, उसके वोल्टेज, उसका क्या करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करके कहाँ पर लाएगा, 20 वोल्ट पर। तो जैसे ही हम 20 टाइप करते हैं, तो वो 20 क्या हो जाता है, एक वोल्टेज जाकर के सेट होगा। अब वो क्या करता है, एनवायरमेंट के साथ कंपेयर करता है, उसमें भी कंपेरेटर रहता है, एरर डिटेक्टर रहता है, फिर चेंज करता है, देखता है कि हाँ एडजस्ट हुआ। तो एडजस्ट होगा तो एरर डिटेक्टर का आउटपुट कितना हो जाएगा, 0, यानी दोनों में चेंज नहीं होगा। जो आउटपुट रहना चाहिए और ये रहना चाहिए, दोनों क्या होगा, सेम आएगा, मैंने अब चेंज नहीं हुआ। अगर वही इसी तरह से अगर डिक्रीज होगा, अगर मान लो कि 20 डिग्री अगर चाहिए और हम हैं कश्मीर में, तो वहां तो टेम्परेचर कम है, तो वो क्या करेगा, अब टेम्परेचर को एडजस्ट करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कंट्रोल एलिमेंट और कर करके फिर 20 पर लाएगा। तो ये काम हो गया कंपेरेटर का, कंपेयर करना, दो वोल्टेज को कंपेयर करेगा। तो वोल्टेज कंपेरेटर करेंट, तो वोल्टेज को कंपेयर कर रहा वी रेफरेंस और ये वाला वी आर टू, इन दोनों को कंपेयर कर रहा है। अब ये आउटपुट जो होगा, ये कंपेरेटर का, ये आएगा और यहाँ पर आएगा ट्रांजिस्टर में, और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, कॉमन कलेक्टर टाइप का यूज करते हैं, कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर जो ट्रांजिस्टर होता है, उसका गेन कितना होता है, 1 होता है। तो देखो यहाँ दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर ये है ओपेम का यूज करके है। तो ओपेम का यूज कर किए तो यहां पर क्या है, वोल्टेज डिवाइडर हो गया R1 R2, ये कैसा हो गया, सिंपल सर्किट हो गया। यहां पर रेफरेंस वोल्टेज हो गया, ये जेनर डायोड का। अब ये जेनर डायोड का मान लो 5 वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट प्लस पर आएगा, प्लस यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर। अब ये भी आउटपुट कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो V2 इसको मानना है, V2, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज डिवाइडर का जो आउटपुट होता है, मींस उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, मींस R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस और गुने टोटल वोल्टेज। तो V2 कितना हो गया, V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V0 हो गया। अब क्या है, ये V2 आ गया। अब ये है यहाँ पर ओपेम के पास जो इनपुट रहता है, इनपुट यानी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों के जो डिफरेंस होता है, उसको डिफरेंशियल वोल्टेज बोलते हैं, V, और सफिक्स हो गया D, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज। तो VD जो हो जाता है, वो इक्वल टू हो जाता है नॉन इन्वर्टिंग, यानी प्लस वाला का वोल्टेज माइनस और माइनस वाला का वोल्टेज, इस दोनों का डिफरेंस जो हो जाता है, प्लस का वोल्टेज, प्लस टर्मिनल का वोल्टेज और माइनस माइनस टर्मिनल का वोल्टेज, ये वाला। तो प्लस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, VZ, ये वाला जो अप्लाई कर रहे हैं ये, तो VZ माइनस हो गया माइनस, और ये जो V2 जा रहा है, ये V2 जाएगा यहाँ पर, ये माइनस पर जा करके लगेगा यहाँ पर, तो माइनस V2 हो गया। तो यहाँ पर दो इक्वेशन लिखाया V2। अब हम क्या बोले कि ये ट्रांजिस्टर कैसा यूज हो रहा है, कॉमन कलेक्टर टाइप, क्या कॉमन कलेक्टर टाइप। तो कॉमन कलेक्टर का क्या एडवांटेज रहता है इसका, कि इसका जो वोल्टेज गेन होता है 1 होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। मींस इसमें वोल्टेज गेन 1 कहने का मतलब क्या होता है, इसका आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये कॉमन कलेक्टर है, इसका इनपुट वोल्टेज क्या है, VO-, क्या है, VO-, आउटपुट वोल्टेज क्या है, VO। तो यहाँ पर देखो किनारे में लिखे हुए हैं, फॉर कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर वोल्टेज गेन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, और इक्वल टू क्या है, 1 है, मीन्स V आउटपुट, यानी इसका आउटपुट जो वोल्टेज होगा VO और VO-, इनपुट वोल्टेज VO-, दोनों क्या होगा, सेम होगा।
अब क्या होता है, जो ओपेम्प होता है, ओपेम्प तो ओपेम भी एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो ओपेम्प में इनपुट में वोल्टेज क्या है, वी डी, आउटपुट में वोल्टेज क्या है, वी ओ डैश, वी ओ डैश। तो जब अगर कोई भी ओपेम्प है, एक सेकंड होल्ड करना, तो सर का कॉल आ रहा है। हेलो, आ रहा है जी आवाज? यस सर, यस सर, यस ठीक सर, है, चलो इसमें ट्रांसमिशन इनपुट आउटपुट। अब देखो, ओपेम्प है, ओपेम्प का दो तरह से यूज करते हैं। एक यूज किए फीडबैक लगा करके, तो फीडबैक लगाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, फीडबैक जब भी लगाएंगे तो उससे आउटपुट को कनेक्ट करेंगे किससे, इनपुट साइड से। फीडबैक का मतलब क्या होता है, ए पोर्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज फीडबैक टू इनपुट। उसका मेन वही हो गया कि आउटपुट वोल्टेज का कुछ पार्ट को इनपुट में ला करके दिए तो उसको फीडबैक बोल लेंगे, सर्किट को, उस एलिमेंट को। तो यहाँ पर क्या है, ये ओपेम्प है, इसमें फीडबैक यूज नहीं किए हैं। तो जिस ओपेम्प में अगर फीडबैक यूज नहीं करते हैं, उस वैसा ओपेम्प से हम क्या बनाते हैं, कॉम्परेटर। यानी कॉम्परेटर एक ओपेम्प ही हो गया जिसमें फीडबैक का यूज नहीं करेंगे। अगर यही ओपेम्प था, इसमें अगर फीडबैक लगा देते हैं, यहाँ वी और डैश था, इसको कनेक्ट कर देते वीडी से, तब ये क्या हो जाता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है। देखो जी, हेलो, आवाज आवाज नहीं आ रही सर। आवाज रुक रुक के आ रहा है सर जी। हाँ आ रहा होगा, देखो अब आ रहा होगा। अरे वो अपडेट तो यहाँ पर क्या है, तो ओपन, अगर ओपन में क्या बोले, इसका दो तरह से एप्लीकेशन हो सकता है। पहला कि अगर ओपन को ओपन किए, ओपनली यूज किए हैं, यानी इसमें किसी तरह का अगर हम फीडबैक सर्किट यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ओपन उससे जो यूज होगा तो कॉम्परेटर की तरह यूज होगा। तो उस कॉम्परेटर की तरह यूज होगा तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज
और इनपुट वोल्टेज जो है ये ओपेम का उन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाता है, वी आउटपुट इज इक्वल टू, यहां पर देखो लिखा हुआ है साइड में, वी आउटपुट डैश इज इक्वल टू ए इंटू वी डी, यानी ये दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। यानी वी आउटपुट डैश जो होगा यानी आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंशियल वोल्टेज का। अगर प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे तो वहां पर जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट एक लगता है, कैसे ओम्स लॉ है, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और भी बराबर आई इंटू आर, जहां पर आर क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो यहां पर भी आउट वी ओ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी हो गया। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ए आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं गेन ऑफ ओपेम। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है पांचवा के सामने, वी आउटपुट डैश बराबर ए इंटू वी डी। आवाज आ रहा है जी, और प्रेजेंटेशन आ रहा है, हेलो। यस सर, यस सर आ रहा यस है। हाँ सर, देखो तो आ रहा है सर। तुम लोग ओपन पढ़ा है ना पिछला क्लास में, क्या सर? हाँ पढ़े हैं हाँ तो ओपन थोड़ा बहुत में पढ़े हैं तुम लोग सर। पढ़ा होगा, हाँ तो ओपन में पढ़ा होगा कोई इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर वो पढ़ा होगा, यस सर, एड एक्स सब्ट्रैक्टर, तो जितना भी वो सब एप्लीकेशन है उस टाइप का एप्लीकेशन जो होगा या एम्पलीफायर की तरह काम होगा, तो जब तक फीडबैक नहीं लगेगा नहीं काम होता है। अगर ओपनली यूज करेंगे इसको तो वो उसको बोलेंगे कॉम्परेटर बोलेंगे, सिंपली क्या करेगा वो कितना कंपेयर करेगा दो वोल्टेज को और बताएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बस। तो अब यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है, हम फिर सपोज किए ये पहले तीन गो इक्वेशन जान लेना, इसमें तीन इक्वेशन क्या क्या लिखना है कि पहले वोल्टेज डिवाइडर के अक्रॉस लिखना है वी टू बराबर कितना होगा, तो आर टू बटा आर वन बाई आर वन प्लस आर टू गुने वी नॉट पहला हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा कि ओपेम के अक्रॉस इक्वेशन लिखना है, तो ओपेम में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, इनपुट क्या है डिफरेंशियल वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज क्या है वी ओ डैश है, तीन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो वी ओ डैश बराबर ए इंटू वी डी, तो ये याद रहना चाहिए, दो हो गया। अब वी डी क्या होता है, तो वी डी जो हो जाता है डिफरेंशियल वोल्टेज, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है दो चीज का एथी कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं, तो वी डी जो हो जाएगा वी जेड प्लस वाला यानी नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, तो ये हो जाएगा वी जेड माइनस वी टू हो जाएगा। और तीसरा क्या हो गया कलेक्टर, ये इस ट्रांजिस्टर के बारे में, कैसा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं कॉमन कलेक्टर, इसका वोल्टेज गेन वन होगा वी ओ बराबर वी ओ डैश होगा। अब हम जो सपोज करते थे वो फिर मानेंगे कि वोल्टेज क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो अगर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन पहला है, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा इसका अगर वैल्यू बढ़ेगा, रेसिस्टेंस का मान लो कांस्टेंट है, तो ये आउटपुट वोल्टेज अगर बढ़ा तो वी टू क्या होगा बढ़ेगा। तो फिर सेकंड इक्वेशन में आओ कि वी डी बराबर क्या है वी जेड माइनस वी टू, तो हम क्या बोले कि वी जेड जो जेनर का वोल्टेज ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो अगर वी टू हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा वी टू अगर हमारा बढ़ेगा तो वी थ्री वी डी क्या है वी डी, ये तीसरा नंबर बताए हैं कि तीसरा, पहले ये बढ़ाएं तब दूसरा ये बढ़ाएं, तो तीसरा नंबर ये क्या हो गया घट गया, वी डी क्या हो गया घट गया। अब क्या बोले कि वी ओपेंप में क्या होता है कि वी डी और वी ओ डैश में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, तो अगर वी डी घटेगा तो वी ओ डैश यानी ओपन का जो आउटपुट है वी ओ डैश घटेगा। अब क्या है वी ओ डैश आया ये ट्रांजिस्टर से होकर के और वी आउटपुट में आ गया ये कनेक्टेड है, तो अगर वी ओ डैश घटेगा तो वी आउटपुट क्या हो गया घट गया। तो अगर हम सपोज करते हैं कि अगर हमारा वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो हम क्या करता है ये जो कंट्रोल एलिमेंट है ये क्या कर रहा है आउटपुट को वोल्टेज को फिर से डिक्रीज कर दे रहा है, मीन्स आउटपुट हमारा क्या कर रहा है कॉन्स्टेंट रहेगा। देखो इसको यहाँ पर ऐसे दिखाए तो मान लो कि ये कोई वोल्टेज है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या कर रहे हैं हम बोले क्या कि पहले इंक्रीज कर रहा है, तो मान लो कि ये इंक्रीज किया भी आउटपुट इंक्रीज किया यहाँ तक गया,
फिर क्या बोला कि वीबी जो है ट्रांजिस्टर क्या किया, वी आउटपुट को फिर डिक्रीज करवा दिया। फिर एंड हुआ तो प्रोसेस एंड हुआ कहाँ पर आया, तो जहाँ से चला था वहीं आया, यानी जिस वोल्टेज से चला था वहीं आया, मीन्स हमारा वोल्टेज क्या हो गया, ऑन शंट हो गया। तो इसमें ये है इसका सर्किट क्या है, तो इसमें सर्किट में चार चीज याद रखना होगा। पहला कंट्रोल सर्किट तो ट्रांजिस्टर, दूसरा क्या हो गया एरर डिटेक्टर या कॉम्परेटर तो ओपैम्प हो जाएगा, तीसरा जेनर वोल्टेज तो जेनर डायोड का याद रखना होगा, और चौथा क्या बोला सिंपल सर्किट आर वन आर टू या वोल्टेज डिवाइडर। सर सर्किट क्या कर रहे हैं, क्या बोलो यहाँ पर जेनर डायोड का क्या काम हो रहा है सर, कह रहे हैं कि यहाँ पर जेनर डायोड का क्या काम हो रहा है। अरे जेनर डायोड का काम हो रहा है ना कि देखो हमको बोल रहे हैं कि कंपनी वाला अगर चाह रहा है कि 5 वोल्टेज का बनाना है, समझा, हमको आउटपुट में अगर 5 वोल्टेज चाहिए, मान लो कोई रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाना है जिसमें हमको 5 वोल्ट का चाहिए, कि हमको इससे 5 वोल्ट आउटपुट में जाना है, आउटपुट में जाएगा 5 वोल्टेज, तो वो वोल्टेज को हम अब तो वो वोल्टेज पहले ही से ना उसमें दे देंगे डिवाइस में, तो वो वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, तो 5 वोल्ट को वो जेनर डायोड के अक्रॉस फिक्स करवा देते हैं। तो हम जेनर डायोड लेंगे कितना 5 वोल्टेज वाला, तो जो हमको आउटपुट चाहिए उतना ही यूनिट का हम जेनर डायोड को लेते हैं और लेकर के सर्किट में कनेक्ट कर दिए। अब क्या करेगा ये सर्किट में क्या है, हम बोले थे पहला जी कि वोल्टेज इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन हमारा रेगुलेटर का काम क्या है कि वोल्टेज को फिक्स रहना और स्टेबल। अब क्या है, हाँ तो ये जो जेनर वोल्टेज है यही बता रहा है कि हमको कितना वोल्टेज का रेगुलेटर बनाना है। यहाँ पर वैल्यू अगर 5 वोल्ट है तो समझ जाओ कि 5 वोल्टेज का ये रेगुलेटेड वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर है, अगर 6 वोल्ट है जेनर वाला तो मन सब समझो कि 6 वोल्ट का रेगुलेटेड सीरीज रेगुलेटर है, मान लो 6 वोल्ट का। तो ये पहले ही से बता दे रहा है कि हमको कितना वोल्टेज चाहिए, प्री डिटरमाइंड वैल्यू जिसको बोलते हैं पहले ही से, तो जितना वोल्टेज का रेगुलेटर चाहिए उस वोल्टेज को यहाँ पर रख रहे हैं और उसी वैल्यू से हम फिर कंपेयर कर रहे हैं। अब उसी हिसाब से क्या होगा, हमारा ट्रांजिस्टर काम करेगा, वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा तो उस हिसाब से वो काम करेगा और वोल्टेज को हमारा क्या करेगा फिक्स रखेगा, जिस तरह से एसी में होता है कि वो टेम्परेचर को फिक्स रहता है कि जितना फिक्स हो जाए, समझा जी। यस सर। तो देखो ये एक वाला समझ जाएगा ना, ये वाला समझना है, अगर ये समझ जाएगा तो इसमें क्या है, तो इसमें तीन वो है कि एक जेनर डायोड ट्रांजिस्टर और इसको कनेक्ट करना है और सीरीज में कनेक्ट कर दिए ट्रांजिस्टर को और लोड को, सीरीज रेगुलेटर रहेगा तो कनेक्ट कर दिए। फिर ओपैम्प वाला रहेगा तो उसमें दो चीज बढ़ जाएगा, एक सैंपलिंग सर्किट जिसमें आर वन आर टू लगेगा और दूसरा कॉम्परेटर सर्किट या एयर डिटेक्टर जिसको बोलते हैं, यानी ओपैम्प आकर के बढ़ जाएगा। ये भी सीरीज रेगुलेटर है इसलिए इसमें भी ट्रांजिस्टर जो है कनेक्टेड क्या है सीरीज में है, आउटपुट वोल्टेज के सीरीज में कनेक्टेड। अब देखो एक यहाँ पर देखो सीरीज रेगुलेटर में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है लास्ट में, इसमें तो ऐसे प्रॉब्लम ये सब नहीं पूछता है, ये इस टाइप का दिया हुआ है, देखिए हम देखो कौन वाला दिया था उसका। तो देखो इसका प्रॉब्लम है कि मान लो कि डिटरमाइंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेगुलेटर बिलो इतना रहेगा, तो एक ये है ये वाला करके है, तो पहला वाला हम ये बनाए हैं ये वाला, ये मान लो कि ये है तो इससे इसका जो आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए बोला है और जेनर करंट बोला है, इसमें कैसे काम होगा देखो यहाँ ये है एग्जांपल में है, अगर पूछ दिया तो कैसे करेंगे, तो हम क्या बोले थे कि केवीएल दो ही चीज यूज करते हैं कहीं भी सर्किट में, जो अभी जितना भी पढ़ेगा ना तुम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ज्यादा इसमें यूज नहीं करते हैं, ऐसे तो इलेक्ट्रिकल में अगर पढ़ना है
तो बड़ा बड़ा सर्किट रहता है, तो उसमें सोल्व करने के लिए KCL यूज करते हैं, KVL यूज करते हैं, नोडल एनालिसिस एक रहता है, एक रहता है मेश एनालिसिस। तो यहाँ पर जो सर्किट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, तो इसमें क्या रहेगा, या तो क्लोज लूप मिलेगा या कहीं पर नोड मिल गया तो वहां पर करेंट डिटरमाइन करने के लिए KCL, अगर लूप मिल गया तो KVL, बस दो सिंपल सर्किट का यूज करो, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि इनपुट वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, अनरेगुलेटेड वोल्टेज जिसको बोलते हैं, आउटपुट वोल्टेज यानी रेगुलेटेड वोल्टेज, रेसिस्टर का वैल्यू दिया हुआ 1 किलो ओम है, ये R का वैल्यू दिया है 220 ओम है, ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, करेंट गेन होता है, तो करेंट गेन बीटा क्या है, करेंट गेन ऑफ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर, अल्फा क्या होता है, करेंट गेन ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, एक गामा होता है करेंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। तो बताया था ना कि तीन तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, कॉमन बेस तो उसको उसका करेंट गेन को अल्फा से, कॉमन इमिटर तो उसके करेंट को बीटा से, और तीसरा रहता है कॉमन कलेक्टर उसके करेंट गेन को गामा से, और उसका रिलेशन भी होता है बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और गामा बराबर 1 प्लस बीटा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो बीटा दिया हुआ है, बीटा मीन्स क्या हो गया कि ये कैसा है, कॉमन इमिटर टाइप का है। अब क्या है कि ये इमिटर है, तो ये इस करेंट को क्या बोलेंगे, इमिटर करेंट, और यही करेंट जा रहा है लोड में, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इमिटर करेंट इज इक्वल टू लोड करेंट, दोनों क्या है सेम है, ये बेस है इसलिए बोले कि ये बेस करेंट। अब जेनर करेंट है आई जेड, तो जेनर करेंट है तो हम कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, रिवर्स बायस में, तो इसलिए करेंट रिवर्स बायस का ही लेंगे। तो जेनर करेंट जब भी हम उसको डायरेक्शन का बात आएगा कि जेनर करेंट कैसे फ्लो करेगा, तो इमीटर करेंट तो दिया हुआ है, तो बेस करेंट अगर इमीटर करेंट आउटवर्ड है बाहर की तरफ जा रहा है, तो कलेक्टर करेंट क्या होगा इनवर्ड होगा, बेस करेंट क्या होगा इनवर्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि KCL लिखेंगे ट्रांजिस्टर में तो क्या होगा आउटवर्ड करेंट, बाहर जाने वाला करेंट बराबर क्या हो जाएगा आने वाला करेंट, इनवर्ड करेंट। तो इमीटर अगर करेंट बाहर जाएगा तो कलेक्टर और बेस क्या होगा अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि इमीटर करेंट इज इक्वल टू कलेक्टर करेंट प्लस बेस करेंट होता है। तो आई बराबर कितना होता है आई बी प्लस आई सी होता है, इसलिए आई जब बाहर जाएगा तो आई बी और आई सी अंदर आएगा, इन दोनों का हो गया। अब जेनर में करेंट कैसे जाएगा, तो जेनर में हम बताएं तो वो रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, तो रिवर्स बायस में करंट कैसे फ्लो करता है, एन साइड से पी साइड, तो एन साइड क्या है ऊपर है, पी साइड क्या है नीचे, तो इसमें अपोजिट करंट फ्लो करेगा एन साइड से पी साइड, इसलिए जेनर करंट को लिख रहे हैं ऊपर से नीचे। तो आईजेड क्या हो गया ऊपर से नीचे हो गया। पोलरिटी हम क्या बोले थे कि ये रिवर्स बायस में रहता है प्लस माइनस वीजेड, बेस से इमीटर प्लस माइनस वी बी, और ये प्लस माइनस वी नॉट हो जाएगा। अब हमारा वैल्यू दिया हुआ बोल रहा है कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज एंड जेनर करेंट, ये वाला जो प्रॉब्लम था सेकंड नंबर, ये करेंट जो है कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज एंड जेनर करेंट फॉर आर एल इज इक्वल टू 1 किलो ओम, और सब वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो KVL पहले लिखेंगे तो माइनस वीजेड प्लस वीबी प्लस वी नो वी आउटपुट बराबर जीरो, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा वीजेड माइनस वीबी, तो वीजेड हम दिया हुआ है कितना दिया हुआ 12 वोल्ट 12, और वीबी हम जानते हैं कहीं पर भी अगर ट्रांजिस्टर दिया हुआ है और अगर बोला हुआ नहीं है कि किस तरह का ट्रांजिस्टर है तो हम मानेंगे कि वो कॉमन इमिटर टाइप का ट्रांजिस्टर है, अगर बताया नहीं हुआ कि किस मटेरियल से बना हुआ है तो हम मानेंगे कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन का जो भी वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो सिलिकॉन के केस में वी बी बेस टू इमीटर वोल्टेज कितना रहता है 0.7 वोल्ट, तो 12 माइनस 0.7 वोल्ट तो कितना हो जाएगा 11.3 वोल्ट हो गया। अब क्या है हमें निकालना है जेनर करेंट, यानी जेनर डायोड से कितना करेंट फ्लो कर रहा है, तो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या बोले थे कि कहीं पर भी करेंट का अगर आता है निकालने का तो KCL का हम यूज जनरली करते हैं। जनरली कहने का मतलब अगर 90% अगर है तो 99%
या 95% बोलो कि वही यूज होगा। तो अब आईजेड निकालना है, तो पहले हम देखेंगे कि ये नोड कहां पर है, तो यहां पर गए बैक होकर के, तो ये नोड है, यहां पर तीन को करंट आ रहा है, तो रेसिस्टर का करंट आएगा रेसिस्टर होते हुए, फिर एक क्या होगा बेस से अंदर बाहर की तरफ जाएगा, और एक जेनर करंट क्या होगा बाहर की तरफ। तो केसीएल क्या हो जाता है, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। तो इनकमिंग क्या है आईआर है, आउटगोइंग आईबी और आईजेड, इसलिए लिखेंगे आईजेड। आईजेड बराबर कितना हो जाएगा आईआर माइनस आईबी हो जाएगा आईजेड, यहां पर जो करंट आ रहा है इधर जाएगा, तो टोटल आने वाला माइनस टोटल जाने वाला, तो आईजेड बराबर कितना होगा आईआर माइनस आईबी हो जाएगा। अब क्या होता है कि इमीटर करंट, इमीटर करंट कितना होता है, तो इमीटर करंट क्या होता है कलेक्टर करंट प्लस क्या होता था बेस करंट, दोनों का जोड़ के बराबर होता है। तो इमीटर करंट का एक फॉर्मूला भी होता है आईबी बेस करंट प्लस बीटा, या अगर तुम इसको लिखेगा आई बराबर कितना हो जाएगा आईसी प्लस आईबी, तो आईसी बराबर कितना होता है बीटा इंटू आईबी होता है कॉमन इमीटर में, बीटा इंटू आईबी और प्लस आईबी, तो आईबी अगर कॉमन ले लेगा तो वन प्लस बीटा आ जाएगा, या डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना कि आई बराबर आईबी वन प्लस बीटा, अगर आईसी बराबर कितना हो जाएगा तो बीटा इंटू आईबी, ये बीटा इंटू आईबी। तब यहां से हमको क्या निकालना है, दो चीज निकालना है, आईजेड निकालने के लिए आईआर निकालना है, आईबी निकालना है, आईआर आईबी दोनों का। तो आईबी निकाल रहे हैं पहले, तो आईबी बराबर कितना हो जाएगा आई, तो आई जो करंट है हम क्या बोले कि ये जो आई करंट रहेगा आईएल करंट दोनों सेम रहेगा, इसलिए आई को क्या बोले आईएल और डिवाइडेड बाय वन प्लस बीटा। अब आईएल कैसे निकालेंगे, ये वाला आईएल करंट, ये इसके अक्रॉस का करंट कैसे निकलेगा, आई बराबर कितना होता है वी बाई आर, ओम्स लॉ होता है ना वी बराबर आई इंटू आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी बाई आर। तो वी कितना है यहाँ पर, तो वी है हमारा आउटपुट वोल्टेज, और डिवाइडेड बाई आर क्या है, तो आर एल है लोड रेसिस्टेंस। आउटपुट वोल्टेज हमारा आया है 11.3, तो 11.3 डिवाइडेड बाई आर एल कितना है 1 किलो ओम, तो डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम, किलो ओम अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा मिली हो जाएगा, 10 का पावर 3 है नीचे तो ऊपर जाएगा 10 का पावर माइनस 3, 10 का पावर माइनस 3 कहने का मतलब मिली एम्पियर, 11.3 मिली एम्पियर आ गया। अब 11.3 मिली एम्पियर है, हम बीटा का वैल्यू यहाँ पर 50 था 51 से कर दिए थे जी, अच्छा 50 से कर लेना अपना, 11.3 डिवाइडेड बाई 50 कर देना, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा, मान लो 51 से कर दिए हैं तो 0.226 आया। अब क्या है कि ये हमको क्या निकालना है, आईबी आ गया, तो हमको आईबी आ गया, अब आईआर निकालना है, ये वाला देखो ये वाला। तो किसी भी ब्रांच के अक्रॉस हम क्या बोले हैं करंट अगर निकालना है, तो करंट कहने का मतलब क्या हो जाता है ओम्स लॉ वी बाई आर, वी कहने का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज बोल सकते हो या वोल्टेज ड्रॉप बोल सकते हैं और या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, तीनों में से कोई टर्म यूज कर सकते हैं। तो ये आई आर कितना हो जाएगा आई आई आर इसके अक्रॉस, मैंने इसके अक्रॉस का वोल्टेज डिवाइडेड बाई इसके अक्रॉस का रेसिस्टेंस, तो वोल्टेज वोल्टेज कैसे इसके अक्रॉस निकलेगा इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस, तो वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो इसके इस वोल्टेज और इस टर्मिनल का वोल्टेज, तो इस टर्मिनल पर कितना वोल्टेज है 20 वोल्ट लगा हुआ, यहाँ पर 20 वोल्ट, इस टर्मिनल पर कितना है 12 वोल्ट, तो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमको वोल्टेज मालूम चल जाएगा कि रेसिस्टर के अक्रॉस कितना है, तो वोल्टेज कैसे निकलेगा 20 माइनस 12, तो 20 माइनस 12 डेट इज 8, 8 वोल्टेज किसके अक्रॉस रहेगा रेसिस्टर के अक्रॉस, तो देखो यही लिखे हैं। तो आई आर बराबर कितना हो जाएगा रेसिस्टर करेंट अक्रॉस रेसिस्टर बराबर, तो भी वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेसिस्टर, या क्या बोलते हैं इसको वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इनपुट के अक्रॉस, इनपुट के अक्रॉस ये प्लस इधर है और माइनस इधर है,
तो प्लस वाला पहले लिखाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस में करंट कैसे चलता है, तो प्लस के तरफ से एंटर करता है और माइनस की तरफ से लीव करता है, यानी प्लस ये होगा माइनस ये होगा। तो प्लस कितना हो गया 20 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट, तो यही लिखे हैं वी इनपुट माइनस वी जेड बाई आर। वी इनपुट कितना था 12 माइनस 20 था माइनस 12 बाई 220, यानी 36 मिली एम्पियर ये होगा। अब आई जेड निकल जाएगा 36 मिली एम्पियर, ये जो आया है ये इतना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किसी को कुछ पूछना है जी? हेलो हेलो जी सर, हाँ बोलो।